अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं बढ़िया है तुम्हारा? तुम्हारा बहुत बढ़िया है। बढ़िया मेरा नहीं है। क्यों? ये हिप हॉप हिप हॉप बहुत ज़्यादा चल रहा है यार दो दिन से, जब से मेरे को पता चल गया ना रहम आ रहा है बंटाए का, तो मैं भी थोड़ा चला गया सुनने के लिए पुराने गाने नए गाने। और फिर मेरे को वो हसल 3.0.3 मिल गया। फिर केडन तो मैं बताइए, मैं दो दिन से बात कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ यूट्यूब पे सुने थे। कल मैं पूरा हसल सुनने चला गया, बंटाए मेरे पीछे पीछे आया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैं केडन सुन रहा था, पहले तो केडन की बात करते हैं। साला केडन जो शो में करता है और जो यूट्यूब पे, दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। यूट्यूब पे एडिटेड है, मतलब उसके शायराना उसमें वो लिरिक्स भूला हुआ है, फ्री स्टाइल करके गया है। और हसीना उसमें भी वो मफल कर गया है, मतलब राइम मिस करा है, भूल गया लाइनें, और यूट्यूब पे पूरा प्रॉपर है। ये कैसे हो रहा है भैया? बट ठीक है यार, केडन की म्यूजिक अच्छी है। साले वोट नहीं कर रहे हो ना, कर लो। जियो सोना मैंने एक पब्लिक वोटिंग कर दी उसके लिए। अब बोलो कि बंटा है तेरे पीछे कैसे आ गया? अरे रियल लाइफ में नहीं आया, सोच में आ गया। तो मैं सुन रहा था, अभी मैं सुन लिया। अब मैं सिर्फ केडन सुनने गया था कि केडन पे क्या रिव्यू आ रहे हैं और परफॉर्मेंस कैसी जा रही है शो पे। तो अभी उसके बाद एक क्लिप आ गई, किसकी? गौश की, जहाँ पे गौश बंटाए को शाउट आउट दे रहा है। मैं कहा हसल पे चल क्या रहा है? है एक तरफ कलमकार की इज्जत उतार देते हो तुम, दूसरी तरफ शाउट आउट दे देते हो बंटाए को। तुम इन दोनों के बीच से क्या टीआरपी बढ़ाना चाह रहे हो अपनी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट तुम में से सबको पता ही है, भाई का गाना आ चुका रहम, शिवम धाकड़ को शाउट आउट दे दिया। एक्चुअली मैं खुश हूँ शिवम धाकड़ के लिए, क्योंकि मैंने अब रिसेंटली उसको फॉलो बैक दिया है, वो भी कर लिया है। वो बंदा सही लगता है, मतलब जेन्युइन लगता है। पता नहीं मेरी लड़ाई हुई है कि नहीं हुई उससे। तो धाकड़ के न्यूज़ में मैं कहा अरे शिवम मेरा भाई, तेरा नाम आ गया। अभी उसके चैनल पर वही चल रहा है, देखो मेरे को शाउट आउट मिला, मैं बढ़िया चाह प्राउड ऑफ यू। बाकी कुछ लोग मेरे को भी टैग करके तेरे को भी दिया है, अरे ऑर्गेनिक ज्ञान मैकेनिक, पता नहीं क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया भाई। मैं जेन्युइनली ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है गाना बेकार है, गाना इतना ब्रिलियंटली लिखा गया है कि मेरी समझ के ऊपर है। ये तारीफ है बाय द वे। वो गाना इतना सही है कि मेरी ज्ञान भी उतनी नहीं पहुंचती रैप में जितना वो गाना है। मैंने 3-4 बार सुना और मेरे घंटा समझ में आ रहा किसको कर रहा है ये, अरे इतने ब्रेक कैसे मार रहा है सिलेबल भाई। अभी गौश का भी एक सॉन्ग था डम इट डाउन करके, हसल पे आया था, मैंने सुन लिया था बट मैंने रिएक्ट नहीं किया उस पर। और मेरे को लगा मेरे को ही बात कर रहा है वो, क्योंकि मैं ही ज़्यादा कंप्लेन करता कि भाई धीरे धीरे गा लो, धीरे धीरे गा लो। भाई तुझे गाना गा, जैसा गाना वैसा गा, बस मैं नहीं सुनूंगा ना, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है, तू म्यूजिक अपने लिए बना रहा है। अब मेरे को नहीं मालूम ये कृष्णा के ऊपर तो डिस है, क्योंकि ट्विटर पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये जो नो मर्सी वाला करके आया था ना कलमकार का, तो उस पर शॉट लिए गए थे। बट फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं तल्ला यूनिस और ये पता नहीं क्या पाकिस्तानी के कुछ सिंगर्स हैं जिनको मैं भाव ही नहीं देता आजकल। चैन के फिर भी ठीक था यार, ठीक था क्या, अभी भी है तल्ला। तुम ब्रिलियंट हो सकते हो, बहुत ब्रिलियंट हो गए, बस मेरे को नहीं चाहिए, इतना सिंपल रखता हूँ। और मेरा कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला सीन भी नहीं है, बट अगर तुम करोगे वैसी बातें या तुमने की है पास में, तो फिर मेरा थोड़ा खट्टा हो जाता है मन, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, करना करते रहो, बस मैं नहीं देखूंगा, वो वाली बात है। बाकी बंटाए पे अगर शॉट लिया है तो मेरा तो थोड़ा सा पर्सनल, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल कर दूंगा मैं। नेक्स्ट टाइम साले बता दिया करो कि क्या हो रहा है मुझे। मेरे को जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं कि बंटाए ने किस किस पे शॉट लिया हुआ है, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आया। मैं जितनी बार सुना मेरे समझ में नहीं आया। मेरे को इतना मालूम है भाई ने जो लिखाई की है, लिखाई भाई बोल सकता हूँ मैं, ये अब तक मैं वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है बंटाए की। एक लाइन मेरे को बहुत सही पसंद आई थी, मेरे 4 गाने हैं तुम्हारे करियर से रिलेटेड कुछ बोला था उसने, चलो उसमें मेरे को एक अंग्रेज की क्लिप दिखी, चलो अंग्रेज रिएक्ट कर रहा है उस पर, वो हंस गया कृष्णा के ऊपर है सही बात। अरे इतनी बेइज्जती भी नहीं करनी थी कृष्णा की। अभी कृष्णा के फैंस ने ना कल शाम में एक क्लिप वायरल करने की कोशिश करी है, जहाँ पे बंटाए लाइव शो पे परफॉर्म कर रहा है और लिप सिंक कर रहा है वो, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है और वो गा भी नहीं रहा, मतलब 1-2 लाइन गा रहा है, बाकी गाना बैकग्राउंड से बज रहा है। कह रहा ये करते लाइव शो। फिर बंटाए की पब्लिक आई, बंटाए की पब्लिक ने कृष्णा की क्लिप निकाली कि कैसे वो अपने फैंस को ट्रीट करता है। बंदा गुवाहाटी में शो कर रहा था, स्टेज पर चढ़ गया, भाई बंदे को सिक्योरिटी गार्ड पीछे ले गए, और ऐसा नहीं कि वो बोले कि हाँ नहीं छोड़ दो या ठीक है इट्स ओके, ये बंदा उसको जाने के बाद कहता है कि अगर तुम आओगे तुम पिटोगे, मैं तेरी माँ का पकौड़ा मारूँ, साले जिनसे तू बना है और जिनके तुम सामने कर रहा है उसी को पीटने की बात कर रहा है। और एक मिनट, तुम प्यार से रिक्वेस्ट भी कर सकते थे, बट ये कौन सा टोन हो गया बे? चार बंदे खरीदे वो भी हमारे पैसों से जो बनाए तूने,
हमको ये तो रूप दिखा रहा है, इससे तो लाख गुना अच्छा बनता है यार। ये सब बनता है की लाइन थी ना इसमें भी कि इंटरव्यूज में बने सॉफ्टी। मैं कहा सही बोला है क्या, फेक गैंग्स ऑन द माइक सॉफ्टी बने इंटरव्यूज में। इससे पहले कितने गाने करे हैं बंटाई ने बिना हुक के, मेरे को अभी एहसास हुआ हुक नहीं इस गाने में ना कहीं पे भी, तभी ढाई मिनट का बनाया। देखो मजे लेने के लिए मैंने कहा था तो मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता, गाना अच्छा ही है, मी मैक्स लव इट, मी मैक्स अच्छा बंदा यार, उसके हुक बड़े सही लगते हैं मुझे। बट लेट मिनट तुम्हें क्या लगा है और किस किस के बारे में क्यों क्यों बात है ये भी समझा देना, अगर मेरे को समझ में आ गया तो मैं एक और वीडियो बना देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बंटाई पे कितने भी चप्पल छाप लेंगे, जब बाकी रैपर्स पैसा बना रहे हैं बंटाई का नाम लेके तो मैं क्यों नहीं, क्यों नहीं। और शाउट आउट टू बंटाई और उसकी टीम, स्पेशली मिंटा, मिंटा ने अभी मिंटा की बात करते हैं क्योंकि ये बंदे जेन्युइनली नोटिस करते आए हैं उन सारे रिव्यूज चैनल को जो रिएक्ट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं जो भी है, और इनको पता है वो चीज़, तो ये करना भी बहुत सही बात थी। और दूसरा मिंटा, मिंटा ने अभी रिसेंटली पता क्या हुआ था, एक पॉलिटिकल रैली थी जहाँ पे किसी पॉलिटिशियन ने पब्लिकली गाली दे दी थी। अभी तो मैं मालूम है रैपर्स के साथ बहुत सारे सीन ऐसा होता है कि जहाँ पे वो परफॉर्म करने जाते हैं उनको रोका जाता है या बैन करने की डिमांड की जाती है क्योंकि इनके गानों में गालियाँ होती हैं, जैसे इस गाने में भी गालियाँ हैं। तो मिंटा ने उसी क्लिप पर बोला था, रिएक्ट किया था, जो बहुत लॉजिकल लगा मुझे कि अगर कोई रैपर ये करता है तुम बैन करने की डिमांड करती हो, बट हमारे शोज़ में एज रिस्ट्रिक्शन होती है, अगर गान में गाली है तो बच्चों को आने अलाउड नहीं करेंगे और उनको नोटिफाई होता है ये चीज़। यहाँ पे तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं, पब्लिक ओपन प्लेटफॉर्म पे तुम ये कर रहे हो तो ये गलत कैसे नहीं है और हम गलत कैसे होते हैं। और ये सेम चीज़ ना स्टैंड अप कॉमेडियन पे भी अप्लाई होती है। अभी मैं गुरलीन पन्नू का अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट है, अनट्रिगर्ड है यार वो देख रहा था, उसमें गुरलीन ने भी ये बात की कि अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं जहाँ से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो वो वीडियो गिर जाती है, हट जाती है, क्योंकि वो वायलेशन होता है। बट फिर तुम ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हो रेप से लेके मर्डर से लेके अनफैन कुछ भी उल्टी सीधा जो एक्सट्रीम होती है उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, तो अगर हम गलत हो रहे हैं तो ये भी तो गलत है ना, इस पर भी बोलना चाहिए लोगों को, बट कोई नहीं बोलता। तो ये मुझे दोनों ही वैलिड पॉइंट लगते हैं, बाकी ये मेरे ओपिनियंस थे, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मिंटा लव यू मैन, बंटा ऑलवेज लव, नेक्स्ट टॉपिक। और फुद्दू बातों की बात शुरू हो गई, तो अभी कोई पॉलिटिशियन है कहीं का है, मैं नाम वाम नहीं लेता जगह का, उसने बोला हम 2023 में, 2023 में लिव इन रिलेशनशिप इल्लीगल होनी चाहिए। मैं कहा बिल्कुल आई एग्री विद दिस, बंद करो भाई बंद करो। साले हमें बंदी नहीं मिल रही, ये लोग खुशियां मना रहे वो भी ठंड के टाइम पे। मैं तो कहता हूँ जैसे ठंड शुरू हो बंद कर दो, बंद कर दो, पब्लिक मीटिंग बंद कर दो, लिव इन बंद करो। जोक कर रहा हूँ मैं, अबे 2023 में हम ऐसी बातें करेंगे तो जोक ही कर सकता हूँ ना, और क्या बोलूँ मैं। बहन ने एक दूसरे को समझ लिया कि हम दोनों कंपेटेबल है कि नहीं है। अब ये थोड़ी शादी में इतना खर्चा करने के बाद 2 साल बाद हमें समझ में आया हम कंपेटेबल नहीं है, या 10 साल बाद समझ में आया जब बच्चा भी हो जाए कि हम दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं, तो बेटर तो यही है ना कि साथ रह के समझ लें पहले। अब तुम्हारे ही है, ये सोसाइटी ऐसे मेल डोमिनेटिंग की, आदमी करेगा तो चलता है, औरत करेगी तो इज्जत की बात है, तो पहले उस चीज़ को फिक्स करो, फिर तुम्हें 11 में भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। बाकी ये मेरा थॉट्स है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी आज के लिए इतना ही है, पीस।